हिंदी की बात जब आती है तो हम सोचते हैं हिंदी का ज्ञान भी बच्चों को होना ही चाहिए, उन्हें कम से कम पढ़ना बोलना आना चाहिए। लेकिन बच्चे हैं थोड़ा हकलाते हैं, तुतलाते हैं शब्दों का, हिंदी हिंदी के वर्णमाला जैसे है, तो वो अगर पढ़ा जाए तो सारी तरीके से बच्चे पढ़ सकते हैं, बोल सकते हैं। तो पढ़ने का सिलसिला जारी रखना चाहिए। तो एक मीराबाई थी, मीराबाई भक्ति काल की थी। वो मीराबाई का जन्म राजस्थान में मेवाड़ के पास कुकड़ी गांव में हुआ था, कुकड़ी गांव में हुआ था। ये बचपन से ही कृष्ण की भक्त थी। इनकी रचनाओं में कृष्ण के प्रति प्रेम भाव का वर्णन मिलता है। तो इनकी मीराबाई की एक पद, मीराबाई के पद होते थे, तो एक पद मैं आज पढ़ रहा हूं, मेरे साथ बच्चे भी शब्दों को पढ़ेंगे साफ साफ। मैं पढ़ूंगा, फिर मेरे बाद ही मेरे बच्चे मेरे सामने कुछ बैठे हुए हैं वो पढ़ेंगे। चलो बोलो सब लोग हैं। बसो मेरे, बसो मोरे नैनन में नंदलाल, बसो मोरे नैनन में नंदलाल, मोर मुकुट मकरा कृत कुंडल, अरुण तिलक दिए भाल, मोहनी मूरति सांवरी सूरति, नैना बने विशाल, अधर सुधा रस मुरली राजत, उर बैजंती माल, क्षुद्र घंटिका कटि तट शोभित, नूपुर सबद रसाल, मीरा प्रभु संतन सुखदाई, भगत वचल गोपाल। हाँ, कठिन शब्द हैं, लेकिन अगर हम इन्हें बोलते जाते हैं तो हमारी जवान इन शब्दों को अच्छी तरीके से कह पाएगी। एक बार फिर से कहिए मेरे साथ, थोड़ा हम कुछ ज्यादा अक्षर शामिल करेंगे, शब्द शामिल करेंगे एक बार में। तो देखिए, आप याद करके पूरी लाइन को कहने का प्रयास करें। बसो मेरे, बसो मोरे नैनन में नंदलाल, बसो मेरे नैनन में नंदलाल, बसो मोरे नैनन में नंदलाल, बसो मोरे नैनन में नंदलाल, मोर मुकुट मकरा कृत कुंडल, मोर मुकुट मकरा कृत कुंडल, अरुण तिलक दिए भाल, मोहन मूरति सांवरी सूरति, मोहन मूरति सांवरी सूरति, नैना बने विशाल, नैना बने विशाल, अधर सुधा रस मुरली राजत, अधर सुधा रस मुरली राजत, उर बैजंती माल, उर बैजंती माल, क्षुद्र घंटिका, क्षुद्र घंटिका कटि तट शोभित, नूपुर सबद रसाल, नूपुर सबद रसाल, मीरा प्रभु संतन सुखदाई, मीरा संतन सुखदाई, भगत वचल गोपाल, भगत वचल गोपाल। ये भक्ति की मीराबाई की का पद है, इसको बच्चों ने मेरे साथ पाठ किया। रोज हिंदी पढ़ना चाहिए बच्चों को, कुछ न कुछ बच्चों के साथ आप भी पढ़िए। जब घर में पूजा करते हैं या कुछ भी, तो आरती है या कोई कविता है, कहानी है, तो बच्चों को बोलने दीजिए, सिर्फ सुनने नहीं देना है उन्हें, उन्हें बोलना। क्योंकि अगर सुन सुन करके चीजें नहीं आ पाती हैं, जब तक वो की ना जाए, तो कोशिश करिए कि बच्चे भी बोलें।
बच्चे भी पढ़ें, उनको पढ़ने दीजिए, बीच बीच में गलतियों को सुधारते रहिए और बोलने के लिए उन्हें प्रेरित करते रहिए, तो निश्चित रूप से हमारे बच्चे बहुत आगे जाएंगे। धन्यवाद।